हाय गाइज, आज हम सीखेंगे मोबाइल से किस तरीके से सिंपल वे में वीडियो अपलोड करके टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई कार्ड बटन यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हाय गाइज, माय नेम इज अभी साहू एंड यू आर वॉचिंग चेंज लाइफ। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर। हे गाइज, सो अब हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइज, हम चाहें तो वीडियो अपनी क्रोम ब्राउज़र से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउज़र पर स्टूडियो बीटा के आने से वहां पर वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है और कभी कभार नेटवर्क चला जाता है तो वीडियो अपलोड नहीं होती है। इसलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊँगा, आप अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को ऑन कीजिए। देखिए फ्रेंड, आपका YouTube एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर से वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड, अब हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो यहाँ पर शो करेंगी। आपको आपकी वीडियो दिख जाएगी, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियो से देख सकते हैं। आपको यहाँ एग्जांपल समझाने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो का यूज करूँगा ताकि वो जल्दी से अपलोड हो जाए। देखिए फ्रेंड, मेरी ये वाली वीडियो है, आपको यहाँ से वीडियो दिख जाएगी। अगर आपको वीडियो नहीं दिखे तो आप अपनी गैलरी से भी डायरेक्ट यूट्यूब ब्राउजर पर शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ से ये वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहां से ईमेल आईडी चेक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर वीडियो को अनलिस्ट में रखना है। सिर्फ अनलिस्ट में करके आप नीचे अगर आपको लोकेशन डालना है तो आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आपको ना टाइटल डालना है ना डिस्क्रिप्शन डालना है, सिर्फ वीडियो को अनलिस्ट कर दीजिए और आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करके इसको ऊपर से अपलोड कर दीजिए। आपकी वीडियो अपलोडिंग हो रही है, देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है पूरी तरीके से, ये रेडी टू वॉच। अब ये वीडियो वॉच करने के लिए रेडी है, लेकिन हमको इसमें अभी टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन एंड आई कार्ड बटन यूज करना है। आपकी वीडियो जब अपलोड होती रहे आपको उस टाइम में नोट पैड पर आपका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन टाइप करके रख लेना है ताकि हमको ये ईजिली रहेगा। अब हम यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो पर आएंगे। आपको यूट्यूब स्टूडियो पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, आप ऊपर पेंसिल पर क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड, हम सबसे पहले अपना थंबनेल सिलेक्ट करेंगे, आपका थंबनेल दिख जाएगा। आप थंबनेल पर क्लिक करोगे, थंबनेल सिलेक्ट कर चुके होंगे। ठीक है, अब आपको नीचे टाइटल में जाना है। टाइटल हमने ऑलरेडी वहाँ पर सेव किया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी करके लाओगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। उसी तरीके से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी चैनल का नाम, आपके जो भी नॉर्मल कीवर्ड होंगे आप उनके ऊपर हैशटैग में लिख लीजिए और आप कुछ इस टाइप से आपका टाइटल लिख लीजिए। अब ये टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन भी एक लिखने का तरीका होता है, किस तरीके से टाइटल सिलेक्ट किया जाता है, टैग सिलेक्ट किया जाता है, डिस्क्रिप्शन, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको वो वीडियो ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड, मैं अभी आपको प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। आप वहाँ से टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कॉपी करके लाओगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। आपका थंबनेल हो चुका, टाइटल हो चुका, डिस्क्रिप्शन हो चुका। अब यहाँ पर आपको क्या शो कर रहा है फ्रेंड, आपकी वीडियो अगर बच्चों के देखने के लिए बनाई हुई है तो आप यहाँ पर यस इट्स मेड फॉर किड्स कर लीजिए, अदरवाइज आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर लीजिए। अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट है तो उसमें प्लेलिस्ट में यहाँ से आपकी वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं टैग्स की। टैग्स फ्रेंड हमने ऑलरेडी वहाँ पर हमने टाइप किए हुए थे, वहाँ से कॉपी कर लाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड, हम इस तरीके से अपना काफ़ी टाइम बचा लेंगे। अब फ्रेंड, हम ऊपर से वीडियो को सेव कर लेंगे। देखिए, अब टैग्स के बाद हम ऊपर एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग में आप 2-5-10 वीडियो अपलोड करोगे तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर चुका होगा। आप चाहे तो ऊपर से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट, जो भी आपके टॉपिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपनी वीडियोस पर कमेंट ऑन करके रखना है तो कमेंट ऑन करके रख सकते हो, या तो आप कमेंट ऑफ कर सकते हो। आपकी यहाँ पर सारी टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और ये एडवांस सेटिंग हो चुकी है, आप ऊपर से वीडियो को सेव कर लीजिए। अगर आप चाहें तो फ्रेंड आपकी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप एंड स्क्रीन यूज करना चाहते हैं या आई कार्ड बटन यूज करना चाहते हैं तो अभी हम आगे क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे। क्रोम ब्राउजर पर आपके यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप मोड पर ओपन करेंगे। यहाँ पर आप अपने यूअर चैनल पर जाइए, इसके बाद यूट्यूब स्टूडियो पर जाइए। हम यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हुआ। आप यहाँ पर अपनी वीडियोस पर क्लिक कीजिए। ऊपर आपकी यहाँ पर सारी वीडियोस निकल कर आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको एक एडिट का शो कर रहा होगा, ऊपर पेंसिल टाइप का, उस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड, आपको इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपकी सारी प्रोसेसिंग शो कर रही है। अब आप यहाँ पर अपने पास में आइए एंड स्क्रीन पर।
अब यहाँ पर आप एंड स्क्रीन ऑप्शन को ओपन कीजिए। देखिए फ्रेंड, आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। हम यहाँ से एंड स्क्रीन यूज करेंगे। आप यहाँ से ऊपर से कोई भी दो वीडियो या तीन वीडियो या एक वीडियो एक सब्सक्राइबर यूज कर सकते हैं। अब दो वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो इधर पास में ऑप्शन शो करेगा चूज स्पेसिफाइक वीडियो। आपकी जो भी पुरानी वीडियो हो उन वीडियो पर जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो शो करेगी। अभी हमारे इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं है तो यहाँ पर अभी शो नहीं कर रही है। आप यहाँ पर जैसे शो करेगी आप ऊपर से सेव कर लीजिए, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। अब फ्रेंड हम बात करते हैं आई कार्ड पर। आई कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब आई कार्ड को आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग आपने कहां पर कौन सी लाइन बोली, आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। देखिए आपका जो भी टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए। ऊपर से ऐड कार्ड पर जाइए, आपकी वीडियो पर क्लिक कीजिए। अभी हमारी यहां पर कोई वीडियो शो नहीं कर रही क्योंकि हमने वीडियो बनाई नहीं हुई इस चैनल पर। आपकी वीडियो शो करेगी, उस पर क्लिक कीजिए और पास में जाकर शेप कर दीजिए। इस तरीके से आपकी सारी पांचों सेटिंग हो चुकी है, थंबनेल, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एंड स्क्रीन और आई कार्ड। अब हमारी वीडियो पब्लिक करने के लिए रेडी है। अब हम वापस अपने YouTube स्टूडियो पर जाएंगे और यहाँ पर इसको पब्लिक पर क्लिक कर देंगे और ऊपर से शेप कर देंगे। देखिए हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए आपकी वीडियो पब्लिश हो चुकी है। सो आई होप फ्रेंड आप इस वीडियो से एक सिंपल वे में वीडियो अपलोड करना सीख गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो अपलोड करने का तरीका कैसे लगा। और फ्रेंड आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड अब हम आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चेंज लाइफ। जय हिंद।